सदा भवानी दायमी सुनमुख रेत गणेश पांचों देव रक्षा करेर ब्रह्मा विष्णु महेश। राजा सुल्तान का लड़का गुण गोमद का भाणजा मंचया स्वरूपी पाप दरियु भगवान पौड़िया बिनाया पौड़िया पौड़ बिराजे सिंह नाथन की चौकी लागेर बिना हुक्म दर्शन नहीं पावे। आप कावड़ बचवाते हो? कावड़ बचवाते हैं। क्यों बचवाते हो? कावड़ बचवाते हैं, एक घर में शांति रहती है और एक हमारे दादाजी परदादा जी के नाम बाजते हैं, इसलिए भगवान की है जना बसाओ है दुनिया बसाओ ती आई मारे लार थेट दादा बाप ही जना बसाओ नाम तो मार पीढ़ी रे पीढ़ी नाम आतो रे पीढ़ियां रे पीढ़ी नाम आतो रे मैं तो मैं ऐसी बात है। ये धर्म कथा है और इसमें धार्मिक चीज है, उस चीज के लिए मायतर हुए बच्चे हुए कहाँ लड़का पढ़ना हुआ कहाँ लड़की पढ़ना है उसका सब उठ के लिखित होती वो हमारे को सुनाती। वो सुनने से क्या मिलता है? सब मिलता है, देने से क्या मिलता है? सुनने से सब कुछ मिलते है, देने से कुछ नहीं मिलता। ये तो धार्मिक चीज है। गंगा मैया का नाम यहाँ आता है, नर्मदा नदी का नाम यहाँ आता है, मथुरा का नाम यहाँ आता है, काशी का नाम यहाँ आता है। हम तो ये जंगली इलाके का आदमी है। ये तो हमारे जो कावड़ काम का काम करते हैं ना वो लोग हैं जो क्योंकि उसके पास में जो वो साधन है रेगिस्तान के अंदर टिल्ले के अंदर चढ़ने का वो गद्दे गुद्दे उसके ऊपर बाहर से मांग डालते हैं बाल है बच्चे हैं सारे। हाँ इसको डेरा बोलते इसको डेरा बोलते इसको डेरा बोलते या डेरा जमात श्रवण की जो शर्म का उदारी श्रवण कावड़िया उसके ये जमात है उसके ऊपर हमने चार सरेक रखी है। इस मेहमान है जो पीढ़ी है जो बताना है जो करना है जो कान है हमने 60 वर्ष आया जजमान गांव के अंदर है जी काम में रहते हैं बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में एक दो दो घर अगली जगह है हर गांव में 10-15 घर तारीख को बंटा है। ये सारे 4-5 घर आके टेरे करके बेड़े घूमने के लिए आते हैं जो को अपने जजमान को मेरा जजमान को मैं जांच लूंगा इनका जजमान को ये जांच लेंगे और ऐसे 4 महीने घूम करके वापिस चले जाएंगे। और इनको सब याद रहता है आपका? याद रहते बिल्कुल सही याद तो रहते हैं तब सुनाते हैं इसे लिखा हुआ नहीं होता कि ये लिखा हुआ जब भी सम्मान करते हैं। और ये कावर कहाँ से आती है? हम तो ये से देखते हैं भाई वहाँ से आती काशी मथुरा से आती ऐसा नहीं भी जोधपुर ले आते हम ऐसे सोचे वहाँ से आती। कहाँ से बनवाई आपने? गंगराड़ बसी से। तप करे जप करे करोड़े जतन करे काशी रे जाए करोत लेता जीवते मरिया बिना मुगे तिली ओवे मर गया जोगे अब दोता। हम लक्ष्मण जी के रह गए झोले रह गए। हमारे पिताजी का नाम भूरालाल जी और भूरालाल जी उनका मोहनलाल जी मोहनलाल जी के लड़के मैं हूँ और बसी का रहने वाला हूँ। जिला चित्तौड़ है तहसील चित्तौड़ है और नाला बाजार पोस्ट बसी। मैं बनाता हूँ मेरा लड़का बनाता है हमारे घर से काम करती है हमारे बहू की भी करती है बेटे की बहू। कौन क्या करता है? मैं सही का काम करता हूँ लकड़ी की छोटी कावड़ बनाता हूँ लड़का बनाता धोली मैं उसको कलर करता हूँ उनकी बहुत मोतियाँ वोतियाँ लगाती है उनका काम करती है। मैं बस्सी रहता हूँ और मेरा नाम सत्यनारायण सुतार है मेरे पिताजी का नाम देवीलाल जी सुतार है और नाला बाजार बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान है और ये काम मैं करीब करीब 20 साल से कर रहा हूँ।
इसलिए हम ये इन्होंने ये कागज पर ये दम लगे भाई मेरे ये घोड़े चाहिए इसे रथ चाहिए गाड़ी चाहिए ऊंट चाहिए ऐसे मतलब इन्होंने ये मेरे हवी जा चाहिए और इस हिसाब से हमारे को हेडे मंडाते हैं हम ये राव बाट और फिर हम उस हिसाब से मानते हैं। कौन से क्लास में छोटे मोटे खिलौने ऐसे बनाते हैं हाथ में घोड़े थोड़ा यहाँ से ये लकड़ी के आइटम जो ये लोग बनाते हैं 10 परिवार उन परिवारों को से सामान जैसे कोई 2000 का 3000 का सामान मिला था इस तरह 10 परिवार है 10 परिवार का सामान लेके जोधपुर जैसलमेर अपने पुष्कर जयपुर वहाँ जो अपने एक्सपोर्टर और लोकल दुकानें हैं हैंडीक्राफ्ट की वहाँ पर जाके मैं सप्लाई करता हूँ। हमारे गाँव में क्योंकि हमारे वहाँ पे तो सभी जानते हैं कावड़ के नाम से ही जानते पूरे गाँव वाले कावड़ 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 हमारा गांव में हम नहीं बात क्यों ऐसे शुरू से ही ऐसे है क्यों शुरू से ही ऐसे अब आप जुड़े में नहीं जुड़े भी यही आप ये मकान है अंजल ये दूसरी जगह होते हम नहीं बांटते क्यों ये काम भाई लेकिन बोले हम वो काम करते हैं दूसरा बेई का बेई बांट का काम करते हैं बेई तो वो हमको बोलते भाई ये क्या काम कर रहे हो हमारा विद्वान हमारा तुम राव हो हमारा भरवा हो तो कावड़ जैसे वो बना कर। अच्छा आप कसक सा एरिया में भाजपा जा रहे हैं हम देख लो कि ये राजस्थान में लगभग हमने देख लो 32 ही जिलों में जाते हैं। अच्छा 32 ही जिलों में जाते हैं पहले तो 27 ही जिला थी और उसके बाद में अब दो जिले कभी भीलवाड़ा चित्तौड़ की साइड में भी भीलवाड़ा चित्तौड़ भी जाते हैं। 17 साल पहले की बात हुई कावड़ उठाई कावड़ उठाने का बंद कावड़ उठाने के हमारे को लगभग 300 वर्ष से ज़्यादा कावड़ उठाने का 300 वर्ष से ज़्यादा हमारे को हमारे ये काम चालू होते हुए 300 साल तो हो चुके थे। ये तो बहुत पुरानी कावड़ है कुन्नी भाई के नाम से जानी जाती है कुन्ना भाई इसको संचालक करने वाली थी काशी की थी वो तीन रूप धारण करती थी जिनमें तीन रूप धारण करती थी सुबह बच्ची शाम को दोपहर में मुटियार शाम को बुद्धि। तो उसने इसका ऐसा रूप क्यों दिया नहीं इसने तो उसने नहीं दिया रूप तो हमने कारीगरों ने दिया रूप तो कारीगरों ने ही दिया। हमारा तो खानदानी धंधा है 1400 साल पहले का आज का थोड़ी हमारा खानदान जो है वहाँ नागौर का है नागौर के पास मालपुरा गांव था तो मालपुरा में हमारे नागौर में मेरा मकान था सती माता है सब है मालपुरा में एक मेरे दादा बाग कारीगर बर्बाद तो वो वहाँ काम कर रहे थे तो हमारे बसी राव जी का पिताजी जाड़ा गोमंद दास जी जो महाराणा प्रताप का छोटा साधु था वो गया दिल्ली तो वापिस आते वक्त में हमारे वो मालपुरा से हमारे दादा बाग को लाया उनकी संतान हुई आज 450 वर्ष पहले की बात है। इस कावड़ का जो समय कितना पुराना है एग्जैक्ट ये बताना तो मुश्किल है और ये कहना भी कि ये जो फॉर्म चला आ रहा है वो एज इट इज जैसा प्रारंभ में था वैसा चला आ रहा है लोक शिल्प हो या लोक कला का कोई भी पक्ष हो कोई भी विधा हो वो एज इट इज नहीं होती है उसमें बदलाव निरंतर आता रहता है। अब जो बनती तो ये बसी में बनती अभी ऐसे मिला है ये नहीं बनती पहले गंगार बनती थी तो अब कोई बनाने वाला ही नहीं तो हुआ
वहाँ पे बनती थी नहीं। अभी उदयपुर वाले मान लो और मैं के काका जी रामचंद्र जी दोनों गए तो वह काम कर रहे, तो हमारे बस्सी के है ना। वो सामर साहब आए थे बस्सी में तुरा कलंगी का खेल देखने, भराव जी के साथ थे, तो मेरे को कहा कि आपको काम करने के लिए मैं ले जा रहा हूँ उदयपुर और कुछ काम सिखाऊंगा और नौकरी दूंगा। आदमी कमाई करेगा कहीं भी जाएगा, तुम्हारे को साथ में नहीं जाना। और इनको कहते हैं तुम प्याज खा के और पैसा बचा के यहाँ आओ, ये तो मैंने सुना कानों से, थोड़ा गांव यहाँ ले जाओ प्याज से रोटी का लेना, पैसा बचा के लाओ। फिर मैंने सोचा मेरा पति का प्याज खा गया तो मैं प्याज खाऊंगी, मेरा पति भूखा रहेगा तो मैं रहूंगी, मैं साथ में जाऊंगी। उदयपुर में आने के बाद में मेरी पत्नी ने कहा कि छोटी और बड़ी क्यों चेंज नहीं हो सकती, तो इस हिसाब से मैं उदयपुर में आने के बाद में छोटी एक माचिस जैसी बनी, माचिस से फिर बड़ी बनी, 7.5 फीट तो है इसकी ऊंचाई और 19 फीट है इसकी लंबाई। इसी तरह से करके मैंने अब जितने भी कोशिश कर रहा हूँ आगे से आगे परिवार नियोजन पे, देश पे, अल्प बचत पे, जैसे भी जिस तरह के मेरे को ध्यान में आता उसी पे मैं बना लेता हूँ। वो पापा तो ऐसा है कि वो शुरू से बात जितना मिल रहा है उससे में संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आज के हिसाब से अपने अस्तित्व को रखना भी जरूरी है। अभी हम हमारा ये समझ लीजिए आपकी लास्ट स्टेज है कि अभी हम बच्चों को सिखाने में भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आजकल आधुनिक ज़माना है और कंप्यूटर का ज़माना है, तो आजकल पुरानी कलाओं को लोग कम पसंद करते हैं। पैसे तो मिलते नहीं है इसमें ज़्यादा, सैलरी तो मिलती नहीं। मैं ये बोलता हूँ कि पहले हमने ये काम करते थे जो 6 महीना लगातार रेगुलर करते थे, अब मुझे क्या कि 2-4 महीने हो गए हम किसानों का काम करने लगे। क्यों? जब सोचने लगा भाई ये, क्योंकि 24 घंटा हमारा ये काम चलता नहीं है, गाँव पर चलता नहीं है, जो क्या बाल बच्चे लोग हैं, हमने तो 200 रुपया मजदूरी नहीं बनेगी जब तक तो पेट भरा नहीं जाएगी। अरे मैं कहूँ तो भाई ये कांवड़ बंद मत करो, जो परंपरी से मैंने भी बंद नहीं करी है, तो आप एक चार हो, चार में एकाध तो बात हो, तो फिर भी कोई विदेशा में ऐसे वैसे वो ना हो तो नष्ट तो नहीं हुए। हमारे को 7 पीढ़ी 14 पीढ़ी होगी, देखते हो तो चल रहा है, हम भी कह रहे हैं चल रहा, वो अगले कहते हैं चलता है, जैसे हमें कहते हैं कि चलता जाएगा। काफी लोग जिनके बच्चे बोल रहे हैं कि अभी ये बहुत मतलब इसमें कमाई नहीं है। मेरे को यहाँ से कम मेरे को 40 साल हुए, अब 40 साल में हमारे जितना काम काज पड़ा है, बच्चों को भी पढ़ाया, लड़कियों को पढ़ाए, बाल बच्चे है सभी है, तो अब बोलो हमको भी दाल रोटी मिल रही, अब वो मिल ही जा रही। अब ये जो काम करे तो चलते रहेगा, काम नहीं करेंगे तो वो जाएगा, धंधा ही जाएगा। फिर ये बड़ा लिया, फिर एक गोला यहाँ ले लिया, एक गोला ये और इसमें एक ये, अब ये तो मटका हो गया। क्यों, 30 साल की मेरी उम्र हो चुकी है, 35 साल के लगभग, तो मैंने तो अपनी जिंदगी में कावड़े बाट नहीं देखा है, लेकिन सुना जरूर है। हम लोग बाँचते हैं, वो सीखते हैं थोड़ी बहुत, फिर हम भी ऐसा ही काम करेंगे, काउड बाँचेंगे, जिजमान हम जाएंगे। आपको करना है ये काम? करना है जरूर। क्या अच्छा लगता है इसके बारे में? इसके बारे में ये कहानी है वो भी अच्छी लगती है, काउड मुझको बहुत अच्छी लगती है, ये फिरता है वो ही गाँव अच्छा लगता है, मेरा स्थान बहुत अच्छी लगती है। ऐसा काम हमारा बाप करता है, वो काम मुझे ही करना है, मुझे करना जरूर है ना। कबीर संसार ने न तारा देखी दो, धन भावे तो धर्म करो, अब मुक्ति नाम से हो। कबीर कबीर क्या करो रे, सो दो आप शरीर, पांचों आत्मा बस करे तो वो भी दास कबीर। कबीर मन मटकी धन जेरणान, सुरता बिलो विचास, गिरत कबीर सा छाणिया तो पिए जुग संसार। गरु बिना माला फेरनी, गरु बिना दीजे दान।
गरु बिना दान हराम है तो बाचो वेद कुरान। पहली किसको मनावी किन का लीजे नाम, मात पिता गुरु आपना तो अलके पुरुष का इनाम। नारायण सिंह जी बाटी बुचाया कावड़ खुलाए दान दीनो, जयंत सिंह जी नाम कावड़ में बुचाया कमर, मुल्तान सिंह जी बाटी कावड़ खुलाए दान दीनो गांव बाड़ना में, राम जी जाकर लिच माँ भाई गांव धारा हर बचाया, देखो धारा हर दान दिया ज्यारा पुन बचाया कावड़ में, खूमा राम जी पाउड़ जिम्मा गाँव धनऊ बचाया धनऊ में दान देखो दियो। आपको ये याद कैसे रहता है? याद तो हमारे क्या दुर्गा मैया है, हमारे वो कंठी पे बैठती हैं तो उसको याद करके बैठ जाते हैं, तो दुर्गा माता है। नहीं सही सही बताओ। सही बताओ जो क्या है हमारा ये कावड़ियों का करते ये कला है जी हमारी, ये हमारे बाप दादा की खानदानी रोज पर काम ये भी करते हैं तो उसी को यादगिरी रहती है। नहीं नहीं इतने सारे नाम एक साथ आप कैसे बांटते हैं? इतने सारे नाम एक साथ ऐसे बाजते हैं कि हम जो रात में जाते आते हैं, जो पढ़ाई का मामला होते हैं, जो जिसने पढ़ा लिखा है आप बारहवीं कर ली चौदहवीं कर ली, वैसे ये हमारे कितने कावड़ पढ़ी हुई है वो कंट्री मेरे कितने क्लास बोलते हैं आप पाँचवीं पढ़ लिया हम आठवीं पढ़ लिया, तो ये भी हमारी क्लास कर ली। तो इनको क्या है लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी अपने आप इनको हर देख दादा कौन है पिताजी का क्या नाम है, जो बोला वो सही बोला बिल्कुल सही है सही बोला इसी एक्यूरेट बोला एकदम। पहले जाते हुए रामा शर्मा करते हैं बैठते हैं और हम जो रिकॉर्ड का थोड़ा सा इशारा उस दिमाग के अंदर पन्ना उठा करके देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक, और उसके बाद में हम चालू करते हैं उसमें से आधे नाम तो हमारे ऐसे भी फिट होते हैं और आधे नाम को इशारे रखते हैं हम कोई कौन सा कभी भूल नहीं जाए किसी कैसे इशारा रखते हैं तो वो हमारी किताब के अंदर हमारी मीट चली जाएगी। हाँ ये मंदिर जैसा तो है पर ये समय क्या है कि फोटो ले देख लेते हैं फिर इसमें क्या नाम आते ना हमको नाम से रुसी है ठीक है ना, कि हमारा दादाजी जैसे ऐसा था कि हमारा दादाजी को घोड़े पर बैठा दिया कि हमारा परदादाजी तो उनको रथ में बैठा दिया, उस नाम से हमारे को क्या रुसी होती है ठीक है ना, हम खुश हो जाते हैं कि हमारे दादाजी ऐसा था ऐसा दान किया था। ये तो है लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी और वाइफ माया। आपको गाड़ी चाहिए थी आपको गाड़ी में बैठना था, गाड़ी में बैठे हैं इन्होंने। अच्छा आपने नहीं बोला गाड़ी में बैठो, हमने नहीं बोला, आपने सिर्फ दान दिया, दान देने से इसका दिल खुश हो रहे थे गाड़ी में, वो अपने उस हिसाब से हमारा दिल खुश हो गया, 1700 रुपए दान रखा तो हम गाड़ी में बैठान दी और उसने दान पुण्य के लिए और हम भी खुश हैं ये भी खुश हैं। अभी आप अपन देखते हैं टीवी पे प्रोग्राम अभी के टाइम में कि अभी टीवी में देखते हैं कि भारत में क्या हुआ है, इलेक्शन कैसे हैं, कि वो विश्वमरा कहाँ है, वो फलाने, तो हमारे पहले के ज़माने में ये टीवियाँ थी सारी जो बात सुनते हैं, अब की बारी बात में प्यास आता तो दूसरी बारी और भी आते, जब अपने आप बिगर बुलाए सारे कह जाते ऐसे ही कि भाई आज राव जी आए अपन बात सुनेंगे। मोर दज राजा विया एक और एक राजा बिशली लड़की पद्मावती नाव करण रानी, तो वह किन्या है जो उन्हें पूछियो के माता जी कहो के पद्मा तू किन्ने कर्मरो खावे, जना पद्मा देख बोली पिताजी मैं मारे ज कर्मरो खाऊं कि नहीं कर्मरो नहीं खाऊं, तो देखो आज थारे घरे मां 20 आदमी भेड़ा भी हैं तो आप आपरी किस्मत रो खानो है। हाँ तो विने बजाऊं राजा बिशन ने एकदम रीस आई है, रीस आई है तो रीस रे माए ने कहो इन लड़की मोटी है 20 बरी हो गई इन्हें मतलब भेज दो परनाई दो अपने घर से बाहर निकाल दो, हम क्या है उनकी सेवा करते हैं तो उनका फल हमको मिलता ही है ठीक है ना, ये उसके नाम पे मतलब जो हम दान देते हैं वो खाते हैं उसके नाम भगवान के नाम पे खाते हैं ठीक है ना, तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो ये मतलब हमने धर्म किया है ठीक है ना, तो ये भगवान के नाम पे मतलब जैसे मांगते हैं खाते हैं हम देते हैं ठीक है ना, तो उसमें हमारे घर का क्या निकाल होता जाता है, तो इसमें हमारे क्या धन है दौलत है उसकी बढ़ोतरी होती जा रही है, हमारे जो धन है बीते ठीक है ना तो उनकी मतलब बढ़ोतरी होती है इससे ठीक है ना। हम तो ऐसे काम ना करते हैं कि भविष्य मरने के बाद आगे भगवान हमको भी ऐसा मिले, कोई उद्धार के लिए नहीं देते ऐसा, परमार्थ के लिए, परमार्थ के लिए, परमार्थ के कारण मंगत नहीं आवे लाजा जगी बात है। कावड़ तो गीता है, गायत्री है, सब चीज है,
कावड़ से दूसरी चीज सब कावड़ा की है, धार्मिक जो चीज होती है वो कावड़ ही है और कुछ नहीं, या तो कावड़ होती है या अन्न का और जल का दान होता है, पैसे की कोई जरूरत नहीं, देने लेने से क्या मुनिया राज्य होती है। हाथ का जो हाथ में किसी को पानी पिलाया यूं मिलेगा या अन्न खिलाएगा मिलेगा, माया यहाँ रहेगी, लड़के साथ बहेगी नहीं, माता बहेगी नहीं, पिता बहेगी नहीं, स्त्री को साथ कोई नहीं चलेगा, हाथ का पन्ना साथ चलेगा बस। शब्द जो बाणी अच्छी है तो याद करेंगे, नहीं तो कहेंगे इसकी तरफ दो पीछे से करो भलो काम है। हां सब बोलो आदमी जाए आप ये सोचते हैं कि आज का दिन चला गया, दिन से ये सोचता है कि तू चला गया, मैं तो यही हूँ, मैं तो यही रहने वाला हूँ, तू जाएगा, फिर अपना सोचते हैं कि आज का दिन चला गया यार कुछ काम नहीं, जब आप किसी को बोला कि भाई मैं नहीं जाऊँगा तू ही जाएगा।